Hey guys, I'm up with Karsha Pandey. Today I'm making a vlog on my convocation day. Today, that is 24th of May, is my convocation day. You know, we all have been waiting for this day since we got into the first year. This is a very special day for every MBBS student. I'm actually very nervous about this day, about today. Also, I'm very excited that kya kya hoga, kya nahi. मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ बिकॉज हुएवर नीट एस्पिरेंट्स आर नीट यूजी एस्पिरेंट्स उनको समझे कि एमबीबीएस लाइफ कैसी होती है. माय कॉन्वोकेशन इज़ अराउंड 4 PM. सो राइट नाउ आई एम एट माय होम और मैं सब कुछ तैयार वैयार होके कॉन्वोकेशन स्पॉट पे जाऊँगी एट अराउंड 4 PM. सो मीट यू एट 4 PM. अभी बदत है भाई, अभी बदत है. खुद का हो गया मैं चल सेम ही दे रहा हूं. ये यूज़लेस है. नहीं रुक जा, फिर दूसरा. गजब बेइज्जती है. हां बना दिया गया. नहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं. मैंने सोचा था अचीवमेंट. ओके 5.5 लेट्स इन वन वर्ड. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. हिंदी में बोल, किसने भी बोल. अप एंड डाउन. क्या बोल? ऑसिलेशन. नहीं नहीं, क्या बोला तूने? ऑसिलेशन. ऑसिलेशन नहीं, कुछ से ठीक. अप एंड डाउन. फैसिनेटिंग. हां सुन, तेरा वो ऐसे. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. एक चीज बोल के चार गिनना. ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह. व्यंकटेश, पण आपण ज्यांच्यासाठी इथे आज जमलेलो आहोत ते सत्कार मूर्ती आहेत तरी कुठे. चला तर मग टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया आविष्कार बॅच व सर्व टीचर्स यांचं. ज्यांचा 365 x 5.5 वर्ष म्हणजे साधारणपणे 2008 दिवस होता. 2008 दिवस तर या 2008 दिवसांच्या कमीत कमी दुप्पट ते तिप्पट टाळ्या वाजल्या पाहिजे. सर्वांनी जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा. Send
आपल्या कॉलेज पर्यंत आवाज गेला पाहिजे. सर्व आविष्कार मॅच. Shraddha Mukund Pandey. She is known for her melodious voice and ruling over the Instagram for the same. The one whose advices are gold standard for juniors. The one jichi matrubhasha Marathi ahe, but you will always find her speaking in Hindi. The one who believes in there should not be any regrets because you only live once. Presenting Murti Lahan Pan Kirti Mahan, Dr. Utkarsha Shraddha Mukund Pandey. Thank you, sir. Sir, please be seated. Two, one. स्पीच काफी अच्छी थी लेकिन एंड में क्या कहना चाहेंगे आज? एंड में तो ये कहना चाहूंगा थैंक यू सभी को. थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा. yes. और ये जैसे सेम पहले ही बोला, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का एक ही प्लान था और मकसद था कि सब एंजॉय करें और सबके लाइफ का बेस्ट इवेंट हो ये. थैंक यू. मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश. मैं हूँ जिया. ये पोस्ट करने का है, ये बड़े मटेरियल होता है. एक्सेलेंट, कुछ नहीं, सबसे एक्सेलेंट एडवाइस देने वाले मैम उत्कर्ष पांडे.